नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका 1000 किलोमीटर्स पर। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन डलहौजी और खजियार में। हिमाचल के चंबा जिले में स्थित डलहौजी भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। ये भारत के उन पर्यटक स्थलों की श्रेणी में आता है जहाँ पर हम पूरे साल किसी भी समय घूमने जा सकते हैं। बारिश के मौसम में डलहौजी के आसपास बहुत सारे झरने देखने को मिलते हैं, तो वहीं सर्दियों के मौसम में आप यहाँ पर भारी बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सूर्योदय और सूर्यास्त दिखाई देता है। इस वक्त आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर हरे भरे मैदान देखने को मिलेंगे। दोस्तों, डलहौजी से हिमालय पर्वतमाला की बर्फ से ढकी हुई बहुत सी चोटियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कि धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको डलहौजी ट्रिप कैसे प्लान करना है, यहाँ पर पहुँचने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, घूमने के लिए कौन कौन सी जगह हैं, खाने और रहने की क्या फैसिलिटीज़ हैं, और इस वीडियो के अंत में हम आपको इस ट्रिप का टोटल बजट भी बताएंगे जिससे कि आप अपना ये टूर बहुत ही अच्छे से प्लान कर सकें। दोस्तों, अगर आप डलहौजी बर्फ़ देखने के लिए आ रहे हैं तो आपको अपना ये ट्रिप दिसंबर, जनवरी या फरवरी में ही प्लान करना चाहिए। चलिए वीडियो के सबसे पहले भाग में बात कर लेते हैं कि डलहौजी पहुंचना कैसे है। अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जो कि 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जम्मू जाने वाली मेन लाइन पर आता है, इसलिए आपको यहाँ आने के लिए भारत के बहुत से शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ से 80 किलोमीटर तक की डलहौजी की दूरी आप टैक्सी या फिर बस के माध्यम से तय कर सकते हैं। दोस्तों, टैक्सी वाला अमूमन 2 से 2500 रुपये लेता है, या फिर अगर आप बस के माध्यम से जाते हैं तो फिर 150 रुपये की टिकट में आप पठानकोट से डलहौजी पहुंच जाएंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हवाई यात्रा का। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से डलहौजी आना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि डलहौजी का सबसे नियरेस्ट हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा में है, जो कि यहाँ से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं भी मिल पा रही है तो आप जम्मू हवाई अड्डे पे भी आ सकते हैं, जो कि यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा एक तीसरा हवाई अड्डा भी आता है जो कि अमृतसर का है। दोस्तों, अमृतसर से डलहौजी की दूरी 210 किलोमीटर की है, तो आप इन जगहों तक भी फ्लाइट से आकर वहाँ से फिर टैक्सी या बस के द्वारा डलहौजी पहुँच सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है बाई रोड का। रोड के माध्यम से आने के लिए आपके पास बहुत से विकल्प हैं, जैसे कि पर्सनल कार, टैक्सी या फिर बस। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आपको कश्मीरी गेट से वॉल्वो या ऑर्डिनरी बस की डायरेक्ट सेवा मिल जाएगी। अगर वॉल्वो बस के किराए की बात करें तो अमूमन ये 1500 रुपये के आसपास होता है, और वहीं अगर आप ऑर्डिनरी बस से आना चाहते हैं तो आप 500 से 600 रुपये में डलहौजी पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक बार आप डलहौजी पहुंच गए तो बात करते हैं कि यहाँ पर आपको रुकना कहाँ है और खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप नॉमिनल कॉस्ट के बजट होटल्स लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मॉल रोड या फिर गांधी चौक के आसपास आराम से 800 रुपये से होटल मिलना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे आप बेहतर होटल की तरफ जाएंगे उनका टैरिफ बढ़ता जाएगा। आपको यहाँ पर 5-7 हज़ार रुपये तक के होटल भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोकल्स के साथ रहकर उनकी लोकल संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत से होमस्टे के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ये अमूमन होटल के मुकाबले काफ़ी बजट फ्रेंडली भी होते हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो आपको यहाँ पर हर प्रकार की डिश मिल जाएगी, जैसे कि नॉर्थ इंडियन, हिमाचली खाना, साउथ इंडियन आदि। अगर थाली सिस्टम के हिसाब से बात करें तो खाने पर आपका 100 से 150 रुपये एक टाइम पे खर्च हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में बात करते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन की, यानी कि डलहौजी और खजियार में घूमने की कौन कौन सी प्लेसेस हैं और आपको किस प्रकार से अपनी ट्रिप आइटनरी प्लान करनी है। दोस्तों, आप जब भी अपनी डलहौजी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कम से कम 2 से 3 दिन का ट्रिप ज़रूर बनाइएगा, जिससे कि आप यहाँ पर और यहाँ के आसपास की सभी प्लेसेस को बहुत अच्छे से कवर कर पाएं। यहाँ पर आप सबसे पहले सात धारा वाटरफॉल्स जा सकते हैं। सात धारा फॉल्स चंबा घाटी में मौजूद है, जो कि बर्फ से ढके पहाड़ों और ताज़े देवदार के पेड़ों के शानदार नज़ारों से घिरा हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सात धारा का मतलब है सात झरने, और इस झरने का नाम सात अलग अलग खूबसूरत झरनों के एक साथ मिलने की वजह से रखा गया है। ये जगह उन लोगों के लिए सबसे खास है जो भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से दूर कुछ पल शांति में जीना चाहते हैं। इसके बाद जो यहाँ की फेमस प्लेस है उसका नाम है पंचपुला। यहाँ पर 5 पुल बने हुए हैं जिनके ऊपर ये नाम पड़ा है, और इनके नीचे से 5 धाराएं बहती हैं। दोस्तों, इस जगह को लाइफलाइन ऑफ डलहौजी के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह अपने खूबसूरत नज़ारों की वजह से बहुत फेमस है।
अगर आप मॉनसून के समय आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपको गंजी पहाड़ी जरूर जाना चाहिए। गंजी पहाड़ी डलहौजी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पहाड़ी पर एक भी पेड़ ना होने के कारण इस पहाड़ी को गंजी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये जगह ट्रैकिंग लवर्स के लिए बहुत अच्छी है और यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप विंटर सीजन में जाते हैं तो आपको यहाँ पर स्नोफॉल और बर्फ की चादर देखने को मिलेगी, जिसमें आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, डलहौजी में ही एक सेंट जॉन्स चर्च है जो कि काफ़ी फेमस है। इस चर्च को सन 1863 में बनाया गया था और यहाँ पर लगे हुए कांच पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। इस चर्च में एक पुस्तकालय भी बना हुआ है और इस पुस्तकालय में पुस्तकों का एक बहुत ही बड़ा संग्रह है। आप इस चर्च में ब्रिटिश इंडिया के समय की बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स का कलेक्शन भी देख सकते हैं, तो एक बार यहाँ भी ज़रूर विजिट करिएगा। इसके बाद शाम को आप यहाँ के मॉल रोड पर घूम सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के गांधी चौक मार्केट को ही मॉल रोड के नाम से जाना जाता है। शाम के समय में इस बाज़ार की रौनक देखने लायक होती है। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ डलहौजी घूमने आए हैं तो शाम के वक्त आप डलहौजी के मॉल रोड मार्केट में स्ट्रीट फूड खाने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। इस बाज़ार से आपको पीर पंजाल के माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं। दोस्तों, अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो डलहौजी के यहाँ के सबसे फेमस बाज़ार तिब्बती बाज़ार से आप हिमाचल के प्रसिद्ध हाथों से निर्मित उत्पाद और पारंपरिक कपड़े खरीद सकते हैं। इस बाज़ार में आपको हिमाचल की संस्कृति से जुड़े हुए सामान, इसके अलावा तिब्बती संस्कृति के अनेकों उत्पाद मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर हाथ से बना हुआ कालीन, गर्म कपड़े, चंबा की प्रसिद्ध चप्पल, घर की सजावट के सामान, शॉल, स्थानीय खिलौने और पारंपरिक तरीके से बने हुए गहने देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, डे टू में आप डलहौजी लोकल से बाहर निकलकर खजियार जा सकते हैं। इसकी दूरी डलहौजी से 20 किलोमीटर की है जो कि आप टैक्सी या बस से पूरी कर सकते हैं। टैक्सी वाले अमूमन 2000 रुपये में आपको पूरा घुमाकर डलहौजी वापस पहुंचा देते हैं। आप कोशिश करिएगा कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाइएगा, जिससे कि आप पूरा दिन सारी प्लेसेस को अच्छे से कवर करके बहुत ही सुंदर तरीके से घूम सकें। खजियार जाते वक्त आपको वहाँ पर चमेरा या कमेरा लेक मिलती है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत झील है। अगर आप मार्च से जून के बीच किसी भी महीने में डलहौजी घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जगह बोटिंग करने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। इस झील में आप वाटर स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कैनोइंग, रिवर राफ्टिंग, मोटर बोटिंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इसी झील के आसपास आप यहाँ पर जंगल में ट्रैकिंग और पिकनिक का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, ये झील हिमालय की तलहटी में बनी हुई है और घाटी में स्थित होने की वजह से इस झील के आसपास का प्राकृतिक दृश्य भी बहुत ही सुंदर है। रवि नदी के किनारे बनी यह झील एक आर्टिफिशियल झील है और यहाँ पर आपको एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी देखने को मिल जाएगा। इस झील के चारों तरफ भंडाल घाटी में जंगलों के विशाल देवदार पेड़ लगे हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो आप खजियार जाते वक्त यहाँ भी ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, यहीं पर आपको एक बीजी पार्क मिलता है जो कि हमारी भारतीय सेना द्वारा बनवाया गया है। ये पार्क पूरी तरह से इंडियन आर्मी को समर्पित है और इस उद्यान में आप युद्ध के समय वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। इसके अलावा इस पार्क में भारतीय सेना द्वारा उपयोग में लाए गए युद्धपोत, जहाज और सैनिक वाहनों के मॉडलों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप लोकल खजियार घूमिए, जिसको कि स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। अगर आप विंटर्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पर स्नोफॉल और चारों तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर देखने को मिलेगी और वहीं समर्स में बड़े बड़े हरे हरे मैदान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप ट्रैकिंग, घुड़सवारी और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। चारों तरफ से चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ खजियार झील इस जगह का मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसके अलावा आपको खजियार में एक मंदिर भी देखने को मिल जाता है, जिसे खजी नागा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें नाग देवता की पूजा होती है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। दोस्तों, 6,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खजियार अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुरम्य परिदृश्य की वजह से डलहौजी के पास घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आप चाहें तो यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से होमस्टेज और होटल्स मिल जाएंगे, पर यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा डलहौजी के मुकाबले ये ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। अगर आप सीजन के वक्त आते हैं तो ट्राई करिएगा कि होटल और होमस्टे की पहले से ही बुकिंग करा के आएँ। इसके अलावा विंटर्स के समय स्नो में एंजॉय करने के लिए आपको यहाँ पर स्नो सूट और बूट्स भी रेंट पे मिल जाते हैं। अमूमन इसके आपको 200 से 300 रुपए लगते हैं। इसके बाद अगर आपके पास एक आध दिन का एक्स्ट्रा समय है तो आप यहाँ के काला टॉप वाइल्ड लाइफ रिजर्व जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सफारी का भी ऑप्शन मिल जाता है।
चलिए दोस्तों, वीडियो के आखिरी भाग में बात करते हैं कि आपको डलहौजी और खजियार ट्रिप में कितना खर्चा आएगा। अगर पर पर्सन कॉस्ट की बात करें तो खाना, रहना और घूमना मिलाकर एक आदमी का दो दिन का जो बजट आता है वो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये तक का होता है। दोस्तों, इस फेयर में हमने आपके शहर से डलहौजी पहुँचने तक का किराया शामिल नहीं किया है। अगर आप नॉमिनल बजट होमस्टेज में रहते हैं या फिर शेयर टैक्सी या बस का उपयोग करते हैं तो इससे भी कम में आप यहाँ पर आराम से घूम लेंगे। तो दोस्तों, ये था 2 से 3 दिन का डलहौजी और खजियार का एक कंप्लीट टूर प्लान। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल, डाउट या सजेशंस हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी हमारे साथ जुड़कर वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आप शिमला, मनाली या नैनीताल का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो उसके वीडियोस भी हमारे चैनल पर पहले से ही बने हुए हैं। इस समय वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो 1000 किलोमीटर्स को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।